अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आया है एक 688। यह पैनल चेंज होने के लिए आया है। ये एक्सीडेंट पीस है, बिल्कुल हड्डियों का सब टेढ़ा हो गया है। देखें, कड़ा भी टेढ़ा हो गया है इसका। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कड़े को किस तरह सीधा करते हैं और पैनल लगाने का सही तरीका क्या है। ये सब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बोर्ड को बाहर कर लेते हैं। बोर्ड बाहर कर लिया मैंने। एंटीना को भी निकाल लेंगे फ्यूज़र की मदद से। पैनल को निकाल लेंगे स्टेट प्लेट की मदद से। ये देखें, बहुत इजी तरीके से निकल जाता है स्टेट प्लेट की मदद से। नीचे वाला पट्टी मैंने नहीं खोला, उसको खोल लेते हैं। खुल गया। बैटरी को भी निकाल लेते हैं। स्टेट प्लेट की मदद से ही निकालेंगे बैटरी को। बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। थोड़ा सा जान लगाना पड़ता है, लेकिन बैटरी को कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल बहुत इजी तरीके से निकलता है। ये देखें, इसके बाद हम फ्रेम को सीधा करेंगे। इसको हीट करके सीधा करेंगे। हॉट एयर की मदद से हीट करेंगे इसको। जहाँ पे हमारा फ्रेम टेढ़ा हो जाए उसी जगह पे हम ज़्यादा हीट करेंगे और कंटिन्यू हीट करते रहेंगे, यहाँ तक कि फ्रेम जो है बिल्कुल गर्म हो जाए। उसके बाद कपड़े की मदद से हम इस फ्रेम को जो है कपड़े की मदद से सीधा कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से सीधा हो जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपसे भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत इजी तरीके से हो जाता है। देखें, फ्रेम हमारा सीधा हो गया बिल्कुल। इसके बाद हम साफ करेंगे इसके किनारियों को। अगर आपके पास इस तरह का टूल है तो इस तरह की टूल से सफाई करें। बहुत इजी तरीके से सफाई होता है। अगर नहीं है तो इस तरह का टूल आप बना सकते हैं। मैंने खुद सेट किया है इस टूल को। ये देखें, बहुत इजी तरीके से सफाई हो गई। और CTC की मदद से इसको क्लीन कर देंगे। देखें, क्लीन भी हो गया बिल्कुल। अब इसके पैनल को लगा के चेक करेंगे कि कहीं गैप तो नहीं आ रहा है इस पर। एक दफ़ा चेक कर लेंगे अच्छी तरह से कि कहीं गैप वगैरह तो नहीं आ रहा है। एक दफ़ा हर तरीके से चेक कर लेंगे। ये देखें, हर तरीके से परफेक्ट है। तो दोबारा निकाल लेते हैं। बोर्ड को भी लगा के चेक कर लेंगे, बैटरी भी लगा के। और इसके कनेक्टर को जो है हम लगा के फिर दोबारा निकाल लेते हैं। ये देखें, दोबारा निकाल के पैनल को लगाने से पहले इस स्टिकर को लाजमी निकाल लीजिएगा। इससे हमारा मसला हो सकता है। और इसके रिबन के नीचे जो टेप है, डबल साइडेड टेप, इसको भी निकाल लें। और रिबन को जो है एक ख़ास लिमिट तक आप खींचे और इसको चिपका दे बिल्कुल बराबर करके। ये देखें, बहुत एहतियात से कीजिएगा इस काम को, क्योंकि ये एरिया बहुत कमज़ोर होता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको अक्सर मैकेनिक जो है पैनल जो लगाते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम आता है, कॉलिंग सेंसर उनका बंद हो जाता है। तो कॉलिंग सेंसर के लिए इस पे दो, ये देख रहे हैं, सेंसर है, सेंसर का गिलास लगा हुआ है। इस पे आप गम नहीं लगाएं, सेंसर के गिलास पे, और इंडिकेटर, लाइट वाला इंडिकेटर जो है उस पे भी आप गम नहीं लगाएं। इसको छोड़ के बाकी पूरे फ्रेम पे आप गम लगा दें। ये देखें, एक ये लाइट है, एक ये है, ये सेंसर है हमारा और ये लाइट इंडिकेटर है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है गम लगाना। आप इसमें पैनल पे भी लगा सकते हैं और फ्रेम में भी लगा सकते हैं। आपको जहाँ पे आसानी हो आप वहाँ पे लगाएं।
दोनों सूरतों में हमारा पैनल अच्छी तरह चिपक जाएगा। और अच्छे से फिल करें इसको। एहतियात बिल्कुल एहतियात से लगाना आपको, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए, चारों कोनों पे आपको गम लगा लेना, लेकिन इस एरिया को आपको छोड़ देना, नीचे वाले एरिया को। देखें, इसमें फिल नहीं करना है गम को। तो इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह क्या है। पैनल उठा के बता दूँ, ये देखें, ये जो रिबन वाला एरिया है इसको आपको छोड़ देना है, इसमें गम नहीं लगाना, बहुत माइनर गम लगाना है। ताकि अगर आप ज़्यादा गम लगाते हैं तो इसके रिबन पे लग सकता है, अगर रिबन पे लग जाए तो इससे ये होता है कि हमारा टच ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देता है, तो हमारा पैनल सही काम नहीं करता, ऑटो टच चलता है, बहुत सारे मसले आते हैं। ये देखें, इस एरिया पे नहीं लगाना बिल्कुल भी। और फ्रेम पे लगाते हुए हल्का सा जो है गम लगाएंगे हम, और उंगली की मदद से बराबर कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा गम जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और पैनल फ्रेम पे लगाते हुए गिलास को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ताकि जो हमारा गम है ऊपर की तरफ निकल आए और हमारा पैनल भी अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखें, आपको छोड़ देना है, फिर ज़्यादा दबाना नहीं है आपको। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लग गया हमारा। बोर्ड लगा लेते हैं हम। हर काम बिल्कुल एहतियात से करना आपको। इस रिबन को लगाते हुए एक दफ़ा जो है अच्छी तरह से लगा दें। ये देखें, नीचे से रिबन को फोल्ड करें, बोर्ड के नीचे आपको फोल्ड करना है और कनेक्टर को ऊपर सेट करना है। अब बैटरी लगा देते हैं। और एंटीने को भी अच्छी तरह से लगा लेते हैं। इस रिबन को भी लगा देंगे, चार्जिंग वाले रिबन को। एंटीना भी हमारा लग चुका है, ऊपर वाले पट्टी को लगा देंगे। ये देखें, बैक कवर भी लगा लिया मैंने। अब टेप लगाते हुए आपको ये एहतियात करना है कि टेप को ज़्यादा आपको खींचना नहीं है। जहाँ पे आपका टेप आसानी से रुक रहा है तो टेप बहुत खींचना आपको बिल्कुल भी नहीं है, एक ख़ास लिमिट तक बराबर करके आपको टेप लगा देना है। इससे ये फ़ायदा होगा, कभी कभार हम टेप लगाते हैं तो ज़्यादा खींच लेते हैं, तो हमारे वाइट स्पॉट बन जाते हैं पैनल के अंदर, है ना, तो वो स्पॉट नहीं बनेंगे। तो बास मैकेनिक जो है इस पर रबड़ बैंड लगाते हैं, रबड़ बैंड से भी वाइट स्पॉट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग टेप लगाएं, ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।